जब हम वैल्यूडेशन में जाएंगे तो किस किस तरह की वैल्यूडेशन पाकिस्तान में हो रही है सर, इसमें कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी? सर फिश जो है हमारे लिए न्यूट्रिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे लिए, हमें इसको डेली कंज्यूम करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है कि हमारा बहुत कम कंजम्पशन है इसकी। अभी मैं बल्कि बताना चाहूंगा कि 2 किलोग्राम फी एवरेज पाकिस्तान में जो है फिश इस्तेमाल की जाती है, और पूरी अगर हम एशिया की बात करें तो 18 किलोग्राम फी का इसकी एवरेज है, और दुनिया की बात करें तो 16 किलोग्राम फी एवरेज है। पाकिस्तान में तो बहुत कम है, पाकिस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन इसकी बहुत कम है, जिसको बेहतर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन, इसके अंदर गुड अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दो फैटी एसिड हैं जो कि फिश के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट्स में पाए जाते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये हमारी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करती, ना ही ओमेगा 6 को प्रोड्यूस करती है, तो इसको हमें फिश के थ्रू लेना चाहिए। ये हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतर करता है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करता है, उसके अलावा जितने भी हड्डियों के मसले होते हैं या ओल्ड एज में लोगों को जोड़ों का मसला हो जाता है, तो उसके लिए ये हमारे फिश अगर लेंगे तो इसके थ्रू जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, ये उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रोहू जो हमारी फिश है, मछली हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की मछली है, डमरा से कहते हैं, इसको अगर हम खाएँ तो इसमें हमें, अगर हम 100 ग्राम फिश एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें हमें तकरीबन 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, और उसके अलावा अगर हम फैट, इसमें फैट का पोर्शन कम होता है जो कि एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। इसमें फैट, इसमें 2.7 ग्राम फैट होती है, 100 ग्राम फिश अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 2.7 ग्राम फैट इनटेक हो रहा होगा उसमें। तो इसमें देखा गया कि इंसान की जो बॉडी है इसमें बहुत ताकत वाली चीज को समझ आता है, तो कौन से जो लोग, जो जैसे सख्त मेहनत करने वाले लोग हैं बिल्कुल, उनके फिश, लिए किस तरह का टॉनिक का काम करती है? जो है ये हर एज के बंदे को खानी चाहिए, हर एज, छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी है, छोटे बच्चे जो हो ग्रो कर रहे होते हैं उनको अगर वो ये खाएंगे तो उनके मसल्स अच्छे डिवेलप होंगे, क्योंकि अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है। उसके अलावा क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम अच्छी अमाउंट्स में, विटामिन मिनरल्स अच्छी अमाउंट्स में होते हैं, और वो हमारे लिए प्रॉपर हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे उन्हें फ़िश खिलानी चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें खिलाएं, और उससे ये है कि उनकी बोन्स अच्छी डेवलप होंगे, उनके मसल्स डेवलप होंगे, और मेंटली तौर पे ब्रेन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। एज के साथ साथ मुख्तलिफ हार्ट के प्रॉब्लम आने लग जाते हैं या फिर मसल प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, तो ये हर एज के लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, ये खानी चाहिए उन्हें। तो वैसा भी ये बताइए कि जिस तरह हमारी बहुत सी खवातीन बहनें जो हैं वो भी हमें देखती हैं, तो कॉस्मेटिकल यूज़ भी फिश का होता है कि कहाँ पे इसके बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, इसके फिश की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो कि जब हम वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाते हैं, फिश की जो हम इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बहुत सी कॉस्मेटिक्स के तौर पर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर उसका एक अच्छा यूज़ है। जो फिश के जब हम वैल्यू एडिशन में जाते हैं, जो इसकी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसमें इसकी बोन्स आ जाती हैं, कि जब हम वैल्यू एडिशन में आते हैं जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स है जिसमें आ जाती है, इसकी स्किन आ जाती है और बोन्स आ जाती हैं, तो उसको जो है तिलापिया जो हमारी फिश है उसकी जो स्किन और बोन है वो दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है, वो जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें उसको यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मेकअप की प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारी फीमेल घरों में यूज़ कर रही होती हैं, और इसको कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है, तो उसमें ये तिलापिया की स्किन और बोन से चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि बहुत पूरी दुनिया में उनकी डिमांड है और उनकी वैल्यू है। वैल्यूडेशन पे अगर हम जाते हैं तो किस तरह हमारी जो हमारे नए बच्चे हैं जो स्टार्टअप्स ले रहे हैं, जो हमारे किसान के बच्चे हैं, वो अगर इसको एज ए बिजनेस लेना चाहें तो कौन कौन से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं, जब उसको कमर्शियल जाना चाहें, बड़ी इंडस्ट्री में जाना चाहें, तो क्या क्या मौके मौजूद है इसके अंदर? इसकी वैल्यू एडिशन के अंदर अभी भी मार्केट में गैप मौजूद है। पोल्ट्री एक हमारी डेवलप्ड मार्केट है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन के ऊपर पहले से काम हो रहा है, बड़े ब्रांड्स हैं जो कि वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, फिश की चिकन की प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो फिश है एक हमारी इस तरह की प्रोडक्ट है, अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ आते हैं तो इससे कंज्यूमर को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन हमारे फार्मर को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा।